बसी। कसम हुआ सड़की, मेरी जिंदगी की आज तक की सबसे अच्छी खबर है ये। आज तो मैं बहुत खुश हूँ जी। जी करता है तेरे को कच्चा ही खा जाऊं मैं। मैं बाप बनने वाला हूँ। दिल खुश कर दिया शालू तूने। जी अब तो हमारे घर में भी एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा लड़का आएगा। नहीं लड़का नहीं लड़की। लड़की, मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं। तुम देखना हमारी बेटी एक बहुत बड़े स्कूल में जाएगी, खूब पढ़ेगी, खूब लिखेगी और बड़ी होकर एक वकील नहीं तो फिर एक डॉक्टर बनेगी। हाँ इतने बड़े दफ्तर में बैठ के काम किया करेगी। देखना हमारी बेटी हमारा नाम बहुत ऊंचा करेगी। चलो बस मैंने कह दिया हमारी बेटी ना बहुत पढ़ेगी बहुत लिखेगी, अब तुम मना मत करना। चलो नहीं। क्यों नहीं, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। बस मैंने कह दिया मैं अपनी बेटी को बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाऊंगी। नहीं चलो नहीं, ये बच्चा नहीं हो सकता है। क्या इस बच्चे को गिरा दे अभी नहीं आ सकता है बच्चा इस दुनिया में। पर क्यों? क्योंकि ये जो तू तो सपने देख रही ना उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए, ये बड़े 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 सपने, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा ये काम तो है नहीं मेरे पास, पैसा कहां से लाऊंगा ये सपने ये उम्मीदें पूरी करने के लिए। देखो ऐसा मत कहो, तुम नहीं जानते मेरे दिल में मेरे मन में भी तो बहुत अरमान है ना माँ बनने के। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने अपनी गोद में अपने बच्चे को खिलाऊं। कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी। ओ पागल मत बन, क्या अरमान है तेरे दिल में? क्या अरमान है माँ बनने के या बच्चे का पेट भरने के? है कल जा दाई के पास जाके बच्चा गिरा दे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, इतना निर्दयी मत बनो। तू क्या समझती है? तू बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सब कहते हुए? मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार आगे बढ़े, मैं भी बाप बनूं, बनना चाहता हूँ लेकिन बच्चे को पालने के लिए पैसा चाहिए। पैसा जब दो दिन तेरा बच्चा भूख से तड़पेगा ना तेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, जमीन भी आ जाएगी। तू दिल से दिमाग से काम ले बच्चे को गिरा दे। नहीं मैंने कह दिया ना मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। तो तुम मेरी मंजू जी। मंजू तू कब आई? कब आई मंजू जी? ये बंबई की शानो शौकत छोड़ के काम के कपड़े पहन के यहाँ कैसे आ गई? लगता है ब्यूटी क्वीन को बंबई रास नहीं आया या कोई और बात है? आज इतने दिनों बाद हम गरीबों की याद कैसे आ गई? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? महारानी जी को आज याद आ गई अचानक इतने दिनों बाद हमारी। अरे ये बेचारी तो इतने दिनों बाद अपने घर आई है। चल मंजू बैठ के बातें करते हैं। चल मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी थी, जरा जरूरी बात थी इसलिए यूं अचानक चली आई बिना बताए। देख मंजू तू इतनी दूर से अपनी परेशानी लेकर हमारे पास आई है, बता ना। हाँ जी बोलो जी बोलो। किसी ने पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो हमारी परवाह किसे है? तुम चुप करो, वो कुछ बोलना चाह रही है उसकी बात तो सुनो। बोल मंजू। मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या मुझे क्या कहा इसने? ये तुम क्या कह रही हो मंजू? ये सब मैं ये गुड़ खड़ाया जी हमारी ब्यूटी क्वीन ने।
यहाँ क्यों आई हो? मैं क्या सोच के आई थी? ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे हम, लड्डू बांटेंगे सारे मोहल्ले में। तू जिससे बच्चा गिराया तूने अब तक? डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो चुकी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करती, कहाँ जाऊँ? आपके सिवा कोई नहीं है मेरा, क्या करती मैं? इस बच्चे के बाप से पूछो क्या करना चाहिए, ना उसकी भी जिम्मेदारी है कि नहीं कोई? ये कौन है वो? कौन है वो? मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। अच्छा, बिन बिहाई माँ बनने के सपने देख सकती है और बच्चे के बाप का नाम बताने की हिम्मत नहीं है तेरे में? ऐसी बात नहीं है, ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। तेरा मतलब की तो उसी अनजाने में हो गया बच्चा, हवा से आ गया वो। बताती नहीं कौन है वो, किसके साथ रंग रलियां मनाई थी, गुलछर्रे उड़ाए थे तूने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी इज्जत टूटी गई है, I've been raped।